स्वस्थ रहिए मस्त रहिए पान आ गए बड़ी इच्छा थी कि एक टोकरी भर के बाबा जी के लिए पान लाए <laughs> क्योंकि वो बहुत ज्यादा पान खाते हैं <laughs> <laughs> बहुत धन्यवाद बेटा आप इतना ख्याल रखते हो आप लोग बाबा माँ का इसके लिए बहुत धन्यवाद खुश रहिए आप लोग खुश रहिए स्वस्थ रहिए गुरुदेव गुरु हमारे संत हां ठीक संत हैं उनके लिए संतों के लिए खुश रहो बेटा धन्यवाद ध्यान रखा जाए संतो ये हमारे लव बेटा जी के बेटा जी के लिए क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है <laughs> बेटा। यूके से नेहा ने स्पेशली बोला है कि मेरी ओर से माँ के लिए वो गजरे ले जाएं जो कभी ना मुरझाएं। <laughs> गुरु जी अनंत कोटी प्रणाम खुश हो बेटा संडे युक्ति आई है आप तो खुश रहो प्रभु की मां-बापा की कृपा से फिर से एक वनडे कर पाए हैं तो खुश रहिए बहुत सुधार है गुरुजी बिल्कुल सुधार है बेटा और ये सब युक्ति लाई हैं <laughs> बहुत धन्यवाद बाबा के पान। कितना धन्यवाद करें गुरुदेव कितना धन्यवाद करें खुश खुश रहो बेटा हम क्या कहें कि आपने हमें इतना बड़ा खजाना दे दिया इतना बड़ा खजाना दे दिया गुरु जी ये तो हम बयान ही नहीं कर सकते बेटा तो रहिए और कैसे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाए महादेव हो ही रही है धीरे धीरे बहुत हो रही है पर हमारा आलस्य है या <laughs> क्या कहें आप ज्यादा जानते हैं आलस्य नहीं प्रायोरिटी है प्राथमिकता जो है वो दी जाए कर नहीं पाए तो कल महावन कर लो इसका संकल्प करके साथ जी। है कर दो एक बार महा हवन हुआ है जब सिंगल है। सिंगल होते थे सिंगल होते थे इसका साथ में अपने साथ कर लो जी। इसका बच्ची का अपने साथ में रख करके संकल्प महाअम कर लो श्रीमान जी के लिए भी अलग से, अलग से होगा हम दे देंगे अच्छा। बाबा के प्रिय पूरी दुकान ले आई आज खुश हो कम है महादेव खूब खुश रहिए खुश रहो खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए पान आ गए बड़ी इच्छा थी कि एक टोकरी भर के बाबा जी के लिए पान लाएं <laughs> क्योंकि वो बहुत ज्यादा पान खाते हैं <laughs> <laughs> बहुत धन्यवाद बेटा आप इतना ख्याल रखते हो आप लोग बाबा माँ का इसके लिए बहुत धन्यवाद खुश रहिए आप लोग खुश रहिए गुरुदेव गुरु हमारे संत हां ठीक संत हैं उनके लिए संतों के लिए खुश रहो बेटा धन्यवाद ध्यान रखा जाए संतों को ये हमारे लव बेटा जी के बेटा जी के लिए क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है खुश रहो बेटा ये यूके से नेहा ने स्पेशली बोला है कि मेरी ओर से माँ के लिए वो गजरे ले जाएं जो कभी ना मुरझाएं थैंक यू बेटा वो ठीक है वहां बहुत खुश हैं गुरुदेव बस अब आप जिस दिन आज्ञा दे देंगे जोड़ा बना देंगे उसी दिन होना है दरवार की कृपा से और एक परमानेंट जॉब का गुरुदेव पार्ट टाइम तो बहुत मिल रही है अभी करते जाए प्रोग्रेस है जी, जी। आपकी बातें याद करती हैं कि जहाँ भी सही समय पर निर्णय सही लोगी तो सही समय पर निर्णय लेती जा रही हैं वही तो प्रगति का रास्ता है कि निर्णय सही होते जाए। जी आपकी कृपा से अनंत कोटी धन्यवाद है महादेव अनंत में अनंत कोटी धन्यवाद खुश हो बेटा और अवसर दीजिए कृपा कीजिए कि हम बार बार एक दिवसीय करा पाए क्योंकि ज्यादा नहीं कर पाते हैं आपको सब पता है दो लाइन हम भी बोलेंगे महादेव आपका समय बहुत कीमती है लेकिन थोड़ा सा लालच आ जाता है बोलो। oh, no. शरण तेरी करौली शंकर महादेवा जो आए फल जाए शरण तेरी करौली शंकर महादेवा जो आए फल पा जाए तेरी दया के पंख लगे तो हमें भी उड़ना आ जा तेरी दया के पंख लगे तो हमें भी उड़ना आ जाए तो महादेव जीना सिखा दिया आपने उड़ना सिखा दिया दरबार का अनु जो अनुभव है ना जो सवाल आता है उससे पहले वीडियो आ जाती है <laughs> कोई और भी सवाल करता है उससे पहले कोई ना कोई हमें बता जाता है कि इसका ये जवाब देना <laughs> तो बाबा माँ की आपकी इतनी अनंत, अनंत, अनंत जीवन में भी हम आपका ऋण नहीं, नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहेंगे हम तो सदा दास बना रहना चाहते हैं इसी सच्चे दरबार का ऐसे ही बाबा माँ कृपा बनी रहे आपसे पर प्रभु युक्ति और नेहा के कारण वो हमारे घर की भागीरथ बनी है। तो हम युक्ति के लिए तो मोक्ष की भिक्षा मांगेंगे आपसे सब अच्छा होगा बेटा दरबार से आप जुड़े हो आप कुछ खराब हो भी नहीं सकते धन्यवाद प्रभु खुश हो